दोस्तों ये बटन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक शेयर बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके शेयर कर दीजिए। हाय दोस्तों, स्वागत है आपको ऑनलाइन इंडिया जॉब चैनल में। दोस्तों हम सब लोगों का जीमेल आईडी है और हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपने जीमेल आईडी को उस जगह में लॉगिन करते हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपकी जीमेल आईडी सिक्योर नहीं है तो इस वीडियो को आप देखिए, तो इसमें आपको दिखाने वाला हूँ टू स्टेप वेरीफिकेशन, यानी कि आप अपने जीमेल आईडी को कैसे सिक्योर कर सकते हो। हर कोई एप्लीकेशन कुछ भी, मतलब कोई भी पर्सन अगर आपकी पासवर्ड भी जान लेता है फिर भी वो आपका ईमेल आईडी को कहीं भी लॉगिन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको ज़रूरत होगा टू स्टेप वेरीफिकेशन कोड, जो आपको ही होगा। ये सीक्रेट है, किसी को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चले, क्योंकि आपका पासवर्ड मिस हो सकता है, यानी कि आपका जो सिक्योरिटी कोड है वो मिस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड को क्रिएट कर सकते हो जीमेल अकाउंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ से आपको एक लाइक बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद दोस्तों रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको कुछ कमेंट करने का ऑप्शन आता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर आप और कुछ जानना चाहते हो, और कुछ सीखना चाहते हो, या फिर आपका कुछ डाउट है इस वीडियो को लेकर, तो यहाँ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर अपने जीमेल आईडी को सिक्योर करना है तो सबसे पहले आप अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। देन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में थ्री लाइन दिखेगा, उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आप आइए सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा आपका जीमेल आईडी, तो आपको इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा माई अकाउंट, मैनेजर, गूगल अकाउंट, तो इसमें आपको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊपर होम, पर्सनल इन्फो, तो डेट एंड पर्सनलाइजेशन, देन आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी में क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है टू स्टेप वेरीफिकेशन, और ये ऑफ है मेरा, तो आज मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरीफिकेशन को एक्टिव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम टू स्टेप वेरीफिकेशन में क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्लिक किया यहाँ पे, तो ये एक नया पेज खुल के आएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये आपको दिखा रहे हैं कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे फाइंड आउट मोर लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें बहुत सारे पूरे डिटेल्स पढ़ सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी फॉर योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ से आप देख सकते हो सब कुछ, हाउ इट इज वर्क, कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों आप पहले ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं, फिर भी अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता है तो कोई भी आपकी लॉगिन नहीं कर सकता है। तो आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से भी आप गेट स्टार्टेड में क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी आपको दिखेगा गेट स्टार्टेड, यहाँ से भी आपको दिखेगा गेट स्टार्टेड। आप देखोगे यहाँ पे नीचे लिखा है गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड में। जैसे दोस्तों हम गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं, यहाँ से दोस्तों आपका अपना ईमेल आईडी और उसके साथ में आपका पासवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड को एंटर कर दीजिए। ठीक है, अगर पासवर्ड पता नहीं तो यहाँ पे जो है आई का निशान है, तो इसमें क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को देख सकते हो, फिर आप इसमें एंटर भी कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं, देन दोस्तों यहाँ से आपका डिवाइस आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप कुछ यहाँ ये बोल रहे हैं कि डोंट सी व्हाट योर डिवाइस, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई इट नाउ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज चूज अनदर ऑप्शन में अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से वो कुछ एक कुछ यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं ट्राई इट नाउ में क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा जो डिवाइस है वो यहाँ पे आ गया, उसके साथ में मेरा ईमेल आईडी वगैरह सब आ चुका है, और देन अब मैं इसमें यस क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, साइन इन अप्रूव। यहाँ से दोस्तों क्या होता है ना, ऑलमोस्ट देयर ऐड अ बैकअप ऑप्शन। सो दोस्तों यहाँ से आपके ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये फ़ोन कॉल की थ्रू आप अपने वेरीफाई करना चाहते हो, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज थोड़ा वेरीफाई करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पे आप फ़ोन कॉल या टेक्स्ट में जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। देन दोस्तों मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में वेरीफाई करना चाहता हूँ कि इसी नंबर में आएगा, तो ये इस मोबाइल में मेरा वो नंबर है, तो टेक्स्ट मैसेज ऑलरेडी अभी आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। सो दोस्तों मेरे मोबाइल में ऑलरेडी कोड आ चुका है, और यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया। देन मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे मैं नेक्स्ट में क्लिक किया, ये बोल रहे हैं इनकरेक्ट कोड। दोस्तों ऑलरेडी पिन तो से हाँ, दोस्तों मैंने कोड डालने के बाद मैंने नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। जैसे मैंने नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं टर्न ऑन टू स्टेप वेरीफिकेशन, तो ना यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑन हो गया। उसके बाद दोस्तों कहीं भी अगर मैं लॉग इन करता हूँ तो ये मेरे मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, फिर जाके ये मतलब दूसरे अकाउंट में लॉग इन कराएगा। विदाउट टेक्स्ट मैसेज की कोई भी मेरा आईडी को लॉग इन नहीं कर सकता, अगर पासवर्ड भी मिल जाए उन किसी को भी तो भी वो मेरे जीमेल आईडी को लॉग इन नहीं कर पाएंगे। सो इसी तरह दोस्तों आप अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरीफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो,
और आप एक्टिव कर सकते हो टू स्टेप वेरीफिकेशन को। उसके बाद कोई भी पर्सन आपके अकाउंट को कुछ भी हैक वगैरह कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो दोस्तों आपको अपना कीमती समय देकर हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।